क्योंकि हम लोग बोथ बैच मिक्स है. ओके, सो वी आर बिगनिंग विद न्यू चैप्टर. एज फार एज वी नो, यू आर लेफ्ट विद स्केलेटन रेस्पिरेशन, करेक्ट? ये दो मेजर चैप्टर हमारे पीछे पेंडिंग है. मैं दोनों बैच के कॉम्बो में बोल रही हूँ, अदरवाइज हो सकता है इधर उधर और भी हो, बट दोनों बैच के कॉम्बो में ये दो पेंडिंग चल रहे हैं. एंड वी कैन, आई एम बिगनिंग विद स्केलेटन. ओके, आई एम बिगनिंग विद स्केलेटन. आई होप योर एग्जाम्स आर ओवर एंड यू ऑलरेडी नो दैट फ्रॉम 24th कॉलेजेस आर बिगनिंग, करेक्ट? मैसेज आया ना आपको, 24th का गवर्नमेंट का डिसीजन आया टू स्टार्ट एवरीथिंग अगेन 1 to 12th. सो मतलब मंडे से कॉलेज जाना है, या मैक्सिमम आप ये ले लीजिए 26 जनवरी के बाद तो जाना ही है. ठीक है, सो आई होप यू हैव टेकन योर वैक्सीनेशंस ऑल्सो, सो ट्राई टू बी सेफ ऑल्सो. कॉलेज से आएगा अभी, क्योंकि कॉलेज वेट करता है. गवर्नमेंट का मैसेज आ गया ना, फिर एक बीएमसी का मैसेज आता है, उसके हिसाब से कॉलेज प्लान करता है. सो दे प्लान, मतलब शुरू तो होने वाला है 24th से, एग्री हो गया. लेट्स सी हाउ इट गोज. सो नो नीड टू वरी, इट्स गुड ओनली फॉर यू. आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट योर बैच 12th कम्प्लीटली गोज ऑफलाइन, तो आप लोग थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए. दैट्स बेटर, फाइन. ओके क्लास, एनी वे आई बिगिन विद स्केलेटन एंड मूवमेंट्स. इफ यू लुक इन योर टेक्स्ट बुक, इट इज क्वाइट बिहाइंड. बहुत पीछे का चैप्टर लिया है मैंने, बराबर? टेक्स्ट बुक के साथ हो आप? ओके, आई होप यू आर विद द टेक्स्ट बुक. मुझे कुछ लोगों का वीडियो ऑन नहीं दिख रहा है. आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू कीप इट ऑन, फाइन. ठीक है, जस्ट कंफर्म अगेन. सामने आपको स्लाइड दिख रही है ना? कैन यू सी द नेम ऑफ द चैप्टर? ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. ओके, नाउ क्लास, व्हेन यू टॉक अबाउट स्केलेटन एंड मूवमेंट्स, कीप इन माइंड जो स्केलेटन पार्ट है, अनफॉर्चुनेटली बहुत ही इंटरेस्टिंग था, पर वो पूरा का पूरा डिलीट हो गया. ओके, तो ये चैप्टर हम 50% पे कर रहे हैं, मतलब आपके बोर्ड के लिए 11th स्टैंडर्ड के लिए वो पूरा का पूरा स्केलेटन पार्ट डिलीट हो गया और मूवमेंट एंड लोकोमोशन पार्ट रह गए. ठीक है, तो हमारे बॉडी में जो बोन्स हैं, उनके जॉइंट्स हैं, वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, कितनी बोन्स हैं, कितनी मूवेबल हैं, कितनी नॉट मूवेबल हैं, दैट ऑल हैज बीन डिलीट. सो अगर आप चैप्टर को बिगनिंग में देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा बहुत कुछ बोन्स के ऊपर है, और वो अच्छा था एक्चुअली, पर अब नहीं है. तो नीट वाले बच्चों के लिए श्योरली हम करेंगे, तो यहाँ पे वो पार्ट डिलीटेड है. तो एक्चुअली चैप्टर का नाम अगर इस वक्त मैं बोलूंगी मूवमेंट्स, तो वो भी काफी. ठीक है, सो वी आर टॉकिंग बेसिकली अबाउट मूवमेंट्स. लेकिन हम मूव कैसे करते हैं, हाउ डू वी मूव? व्हेन यू आस्क दैट हाउ डू वी मूव, तो प्लांट के लिए तो पहले ही आंसर आता है कि दे डू नॉट मूव. ठीक है, तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे आते हैं. सपोज इफ आई टॉक अबाउट मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया, तो उसके पास फ्लैजिला होगा तो ही वो मूव करेगा, करेक्ट? हमने ऐसे बनाया था किंगडम मोनेरा में, एक ऐसे फ्लैजिला वाला बैक्टीरिया होता है. बाईफ्लैजिलेट हो सकता है, ट्राई हो सकता है, मल्टी भी हो सकता है. ठीक है, फिर हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल कॉमन ऑर्गेनिज्म है अमीबा, है ना? वो अपने सिडोपोडिया से मूव करता है. एवरीबडी नोज सिडोपोडिया, करेक्ट? ये यस वाला मैम, है ना, इससे भी मूव करता है. हमारी बॉडी में जो WBC है, करेक्ट? हमारी बॉडी में जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल्स, वो भी मूव करते हैं अमीबा के जैसे. दे ऑल्सो शो अमीबॉइड मूवमेंट. प्लीज लर्न द टर्म अमीबॉइड मूवमेंट. ठीक है, ये कौन सा मूवमेंट है? फ्लैजिलेटेड मूवमेंट. ओके, ये अमीबा वाला कौन सा है? अमीबॉइड मूवमेंट. अब मैं और एक ऑर्गेनिज्म बना देती हूँ, वो भी बहुत फेमस है हमारे पास.
करेक्ट, एवरीबडी नोज दिस ऑल्सो, पैरामेशियम करेक्ट, सीलिएटेड है ना, पैरामेशियम। सो वो सीलियरी मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट करता है, सील। तो अभी मैंने तीन वर्ड्स बोले, अमीबॉइड मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से मूवमेंट, फ्लैजिलेटेड मतलब आपके पास फ्लैजिला एक हो दो हो दस हो, करेक्ट, और सीलिया सीलियरी मूवमेंट। फाइन, हमें और एक चीज याद रखनी है कि जो सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, वो भी मूव करता है, वो भी मूव करता है ऐसे, वो घूमता रहता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो घूमता रहता है, उसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं। व्हाट इज इट कॉल्ड, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ऐसे गोल 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 घूमता रहता है, ऐसे धीरे 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 कीप्स ऑन मूविंग, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ओके, जो यूकैरियोटिक सेल में दिखा है, मतलब सेल के अंदर भी कुछ मूवमेंट हो रहे हैं, सेल के बाहर भी हो रहे हैं, लेकिन क्लास मैं आप ओके हम सब ना फ्लैजिला से मूव करते हैं, नाइदर डू वी यूज सीलिया, नाइदर डू वी डू अमीबॉइड मूवमेंट। क्या आपकी और मेरी बॉडी मूव हो सकती है सीलिया से, पूरी बॉडी की बात नहीं है ना, क्या हमारा फ्लैजिला है हमारे बॉडी के ऊपर कहीं पे जिससे मूव कर सकते हैं, नहीं। सेल मेम्ब्रेन, हम यूनिसेल्यूलर ही नहीं है, तो पूरा कंसेप्ट बदलना पड़ता है। और फिर एक वर्ड आता है, हम मूव करते हैं किससे, कोई रिप्लाई करेगा चैट में, हाउ डू वी मूव, यस हाउ डू वी मूव, यस क्लास, डिड यू गेट इट, हाउ डू वी मूव बाय बाय मसल्स, बाय बोन्स, करेक्ट। तो हमारे मूवमेंट को बोलते हैं मस्कुलर। ओके, तो हमारे पास पूरी, देखो मैंने बोला हमारा WBC अंदर मूव करता है, लेकिन पूरी बॉडी अगर मुझे हिलानी है, मुझे यहाँ से क्लासेस तक आना है, तो मुझे चलना पड़ेगा, है ना, मुझे वॉक करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे मसल्स की जरूरत पड़ेगी, जो लोअर ऑर्गेनिज्म में नहीं पर हायर में तो है। अगर आप सिंपल हायर ऑर्गेनिज्म लो, अर्थवर्म, तो वो मसल से मूव कर रहा है, ह्यूमन बीइंग मसल से मूव कर रहे हैं, जो बर्ड्स है वो फ्लाई कर रहे हैं, पर उनके विंग्स किससे अटैच है, मसल्स को। अगर आप मॉस्किटो देखोगे, उसके पास भी मसल्स हैं। सो मस्क्यूलर मूवमेंट इज अ वेरी प्रोमिनेंट मूवमेंट, और ऐसा सोच लो पूरा चैप्टर आपका मसल्स पे है, पूरा चैप्टर आपका किस पे आ रहा है, मसल्स पे आ रहा है, फाइन। सो इसीलिए यू कैन सी दैट देयर इज फुल डायग्राम विद बोन्स एंड मसल्स। नाउ क्लास, जो मस्क्यूलर मूवमेंट है, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर ऑफ मसल ठीक से पता होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़े। नाउ कैन आई मेक अ डिफरेंस कि ये जो मूवमेंट है, ये बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, मतलब बॉडी पूरी मूव हो रही है, ठीक है, मैं अभी बोल रही हूँ मेरे लिप्स मूव हो रहे हैं, करेक्ट, अगर आप चल रहे हैं तो आपके हाथ पैर मूव होते हैं, करेक्ट, सपोज हम दौड़ रहे हैं तो अवर हैंड्स एंड लेग्स विल मूव, व्हेन आई एम ब्रीदिंग माई रिब्स माई लंग्स आर मूविंग अप एंड डाउन, करेक्ट, माई हार्ट इज बीटिंग, करेक्ट, तो हार्ट में भी मूवमेंट हो रहा है। तो ये जो हार्ट का मूवमेंट है, ये जो लंग्स का मूवमेंट है, ये जो मेरे WBC के मूवमेंट है, मेरे स्टमक में जो मूवमेंट है, इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट है, वो सब इंटरनल है, वो सब इंटरनल है और ज्यादातर हमारे कंट्रोल में नहीं है। आई वुड यूज द वर्ड इनवॉलंटरी, है ना, मैं चाहूं तो भी अपनी ब्रीदिंग रेट को एक्चुअली कंट्रोल नहीं कर सकती, सिवाय थोड़े सेकेंड्स की, करेक्ट, मैं अपनी हार्ट बीट को भी रुका नहीं सकती हूँ, ना स्लो कर सकती हूँ, ना फास्ट कर सकती हूँ अपनी मर्जी से, वो सब इनवॉलंटरी। अभी थोड़ा सा बाहर आ, मैं बोल रही हूँ मेरे लिप्स मूव हो रहे हैं मेरी मर्जी से, वॉलंटरी, ठीक है, इस वक्त मैं चल रही हूँ तो
मेरे पैर मूव हो रहे हैं, वॉलिंग करेक्ट। अगर आप आंखें आपके जो आईलेट्स है उसको बंद करते हैं, ओपन करते हैं, वो आप वॉलेंट्री करते हैं। इनवॉलेंट्री भी होता है ब्लिंकिंग करेक्ट, जो हमें पता नहीं चलता, हमारी आंखें अपने आप हमारी पलकें झपकती हैं कर, वो इनवॉलेंट्री भी हो सकता है। फाइन, तो कुछ मूवमेंट्स वॉलेंट्री है, कुछ इनवॉलेंट्री है, कुछ अंदर है, कुछ बाहर है। बाहर मतलब बाहर दिखाई देते, ठीक है, डायरेक्टली विजिबल होते हैं। जो हाथ पैर लिखना, आप अगर आप इस वक्त कोई बुक लेके नोट्स लिख रहे हो तो योर हैंड योर फिंगर्स आर मूविंग, दैट इज ऑल वॉलेंट्री एंड एक्सटर्नल मूवमेंट। अगर मैं इस वक्त कुछ खा रही हूँ तो वो जो मेरे जॉज मूव करेंगे वो वॉलेंटरी है और एक्सटर्नली विजिबल, एकदम क्लियरली दिखे, ठीक है। अब थोड़ा सा और चेंज करेंगे, लोकोमोशन, मूवमेंट से मैं आगे बढ़ रही हूँ। लोकोमोशन इज वॉट, वॉट इज द डिफरेंस? लोकोमोशन में बॉडी की, बॉडी का मूवमेंट ऐसा चाहिए कि उसका लोकस, लोकस द पोजीशन शुड चेंज। मतलब अगर मैं खड़े होके एक जगह पे बोल रही हूं तो ये मूवमेंट, लेकिन इफ आई मूव फ्रॉम स्पॉट ए टू बी, दैट इज लोकोमोशन। सो मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ए टू बी, पूरी बॉडी यहां तक गई, दिस इज लोकोमोशन। और अगर मैं ए स्पॉट पे खड़े होके आपको बाय कर रही हूं तो दैट इज मूवमेंट बट नॉट लोकोमोशन। सो कैन आई से ऑल द मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, बट लोकोमोशन इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट। Did you get that line? Every locomotion is a movement, but every movement may not be locomotion. I hope you are getting it. So, ये हमारा beginning देखिए. Organisms show various types of movement. The PDF is as per your textbook class. Fine. Now, movement can be streaming movement of protoplasm. अभी मैंने आपको बताया था cytoplasm move होता है. इसमें एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, बैक्टीरियाज में नहीं, बैक्टीरियाज में नहीं, इट इज सीन ओनली इन यूकैरियोट्स। बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म नहीं मूव हो रहा, हमारा मूव हो रहा, ठीक है, प्लांट्स का मूव हो रहा, फंगस का हो रहा। पेरिस्टेलेसिस, जो आप फूड सॉलो करते हो, फूड आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरे 10 मीटर के ट्रैक में बिगिनिंग टू एंड तक जाता है, माउथ टू एनस, अपने आप इंटरनल मूवमेंट, peristaltic muscular movement, fine. Then walking, running, jumping, hopping, flying, swimming, crawling, correct, whatever way, all this will be various types of movement. Movement may or may not lead to locomotion, correct class? I hope you are getting the difference. Har movement locomotion nahi hota, please remember, kyunki locomotion mein aapko displace hona padta ek jagah se dusri jagah. दूसरी बात, मूवमेंट एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल हो सकता है। अगर बॉडी का पूरा लोकस चेंज हो रहा है, लोकस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज कॉल्ड लोको मोशन, ठीक है। लेट्स लुक एट इट, ये देखिए, वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, स्लिदरिंग, जंपिंग, और भी आप ऐड कर सकते हैं, करेक्ट, crawling, hopping, all these are various types of movement which are actually a locomotion, correct? अब हमारा इंटरेस्ट सिर्फ एक ही में है, muscular, ठीक है, उसमें भी क्योंकि locomotion की बात होती है तो फिर हमारा इंटरेस्ट सिर्फ लास्ट वाला, जिसको अलग कलर दिया गया, striated muscles. But anyway, we have done animal tissue, so what we know about मसल्स, मसल्स तीन टाइप के होते हैं, इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंटरी, फाइन, इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री। जब मैं इनवॉलेंट्री बोल रही हूं तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, दे आर कॉल्ड स्मूथ मसल्स,
दे डोंट शो एनी स्ट्राइशंस हियर. मैं पहले एक ही मसल को डिस्कस करूंगी. फाइन, ये रहे हमारे स्मूथ मसल फाइबर, सिंगल न्यूक्लियस, स्पिंडल शेप. ये मेरे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स, मतलब स्टमक, इंटेस्टाइन, लंग्स, रिब्स, वहां पे कनेक्टेड. ओके, सो दे आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल. दे वर्क वेरी स्लो बट फॉर वेरी लॉन्ग. कैसे काम करते हैं मसल्स? स्लो, लेकिन बहुत लॉन्ग मूवमेंट कर सकते. बहुत देर तक फूड डाइजेशन के लिए मुझे 2 से 3 घंटे लग रहे हैं. तो स्टमक इंटेस्टाइन काम कर. ब्रीदिंग, हम कम से कम 1 मिनट में 14 to 16 टाइम ब्रीद करते हैं. तो मुझे वो मूवमेंट लग रहा है, isn't it? और ब्रीदिंग हम रुकाते नहीं, तो वो कंटिन्यू हो रहा है. सो ऑल स्मूथ मसल्स, दे वर्क इनवॉलंटरी बट स्लो एंड प्रोलॉन्ग्ड. बहुत आप सो भी जा रहे हैं तो भी आपके इंटरनल मूवमेंट्स ऑन है. फिर आता है दूसरा टाइप, कार्डियक. वो भी इनवॉलंटरी, हार्ट हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो बहुत ही फास्ट. सो कार्डियक मसल्स, दे वर्क वेरी फास्ट, दे आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल एंड दे शो स्ट्राइशन ऑल्सो. उसमें भी स्ट्राइटेड लाइट डार्क बैंड्स दिखाई देते हैं. बहुत फास्ट काम करते हैं और लाइफ लॉन्ग काम करते हैं. करेक्ट, इफ दे स्टॉप वी विल डाई. लेकिन क्लास, ये दोनों मसल्स जिनकी अभी अभी हमने बात की, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं पर लोकोमोशन में नहीं. आप अपने कोई भी स्मूथ मसल को लो, उसका रोल लोकोमोशन में नहीं. उससे हम नहीं एक से दूसरी जगह जा सकते. हार्ट एक जगह पे 72 टाइम्स पर मिनट आपकी हार्ट बीट है, लेकिन इट इज नॉट हेल्पिंग यू टू वॉक, रन, जंप, इज इट? तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, यहीं पे स्टॉप करेंगे और हमारा मेन मसल दैट इज स्ट्राइटेड एंड स्केलेटल पे हम ध्यान देंगे, विच इज गोइंग टू हेल्प अस इन लोकोमोशन. स्ट्राइटेड मसल्स, स्केलेटल मसल जो बोन्स को टच करते, ठीक है, दे शो लाइट एंड डार्क बैंड एंड दे आर अंडर अवर कंट्रोल. दे आर अंडर अवर कंट्रोल. आपको स्लो भागना आप स्लो भागो, आपको फास्ट भागना आप फास्ट भागो. ये देखिए, चेक, कार्डियक ओनली इन हार्ट, स्केलेटल बोन से कनेक्टेड है, स्मूथ इंटरनल ऑर्गन्स में है, स्ट्राइटेड और स्मूथ हमारे कंट्रोल में नहीं काम करते. करेक्ट, और स्केलेटल हमारे कंट्रोल में, उसमें डार्क लाइट बैंड भी है. स्केलेटल बहुत फास्ट काम करता है लेकिन बहुत जल्दी थक जाता है, इट गेट्स टायर्ड. ओके, जैसे अभी मैं लेक्चर ले रही हूं, तो सपोज मैंने 3 घंटे तक लेक्चर लिया, फिर क्या होगा, आई विल गेट टायर्ड. उसके बाद इमीडिएट और एक लेक्चर लेना है तो शायद मैं बोलूंगी रुको मुझे 10 मिनट्स का ब्रेक दो, फिर मैं फिर से शुरू करूंगी. तो व्हाट हैपेंस, दे गेट टायर्ड. ओके, सपोज आप 1 किलोमीटर भागे, 2 भागे, 3 भागे, फिर स्पीड स्लो होने लगेगी और फिर एक सर्टेन पॉइंट के बाद आप थक के रुक जाए. इज इट क्लियर क्लास? यस, वेरी क्लियर. I hope you are getting this. I hope you have got what we are into. Yes, class. All of you? Okay. Thank you, Anuja. Others? Some of you can reply, please. Thank you, Ansh, Abhishek. Thank you. Okay. Thank you, Ritika. Fine. So now we are interested in striated muscles very, very much. Okay. And मैं एक बार चैट में देख लूं कि कोई डाउट तो नहीं है ना. वैसे अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है. ठीक है. Okay. So we are moving to the striated muscles. Now class, आप कभी भी किसी भी striated muscles की बात करेंगे तो पहला रूल skeletal है, बोन को कनेक्टेड है. ठीक है. दूसरा रूल, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है क्योंकि इसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है. बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया भी है. ओके, एक स्पेशल प्रोटीन है मायोग्लोबिन. मायोग्लोबिन ऑक्सीजन भी स्टोर करता है. ठीक है,
लिमिटेड बट कर सकता है. फाइन. अब हमें कुछ रूल्स लर्न करने, वी हैव टू लर्न सम रूल्स. ओके, व्हाट आर दोज रूल्स, जस्ट चेक व्हाट वी आर गोइंग टू डू. वन मिनट. यहां से सीख लो. Whenever you look at any striated muscle, हम उसको, मैं ड्रॉ भी कर रही हूं साथ में. Suppose this is the bone. To which the muscle is connected. Okay. ये दूसरी bone है. अब मैं muscles बना रही हूं. तो जहां से मसल शुरू होता है, ये पॉइंट, इसको बोलते हैं ओरिजिन. क्या बोलते हैं? ओरिजिन. ये मसल का बंच इधर से शुरू हुआ, वो कभी भी दूसरी बोन को कनेक्ट होता है. देखो, स्टार्ट बोन वन से हुआ और कनेक्ट बोन टू को हो रहा है. जहां पे वो कनेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड इंसर्शन. That is called insertion. और बीच में जो मसल का पूरा बैंड है बहुत थिक, उसको बोलते हैं बेली. उसको बोलते हैं बेली. सो मसल्स शो वॉट, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड आई विल बी यूजिंग डिफरेंट कलर हियर. ओरिजिन, बोन के दूसरे साइड बना रही हूं मैं, ये देखिए. ठीक है, इंसर्शन. सी, वो यहां पे कनेक्ट होने वाला है. और बेली, अब बेली बनाई जाए बीच में जो मसल का थिक पार्ट, ये रही बेली. सो एवरी मसल स्ट्राइटेड है. नाउ आई विल नॉट रिपीट द वर्ड स्ट्राइटेड अगेन एंड अगेन, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट दैट. सो स्ट्राइटेड मसल्स बिगिन फ्रॉम वन पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन. वो कनेक्ट होते हैं कोई दूसरी बोन से, उसको बोलते हैं इंसर्शन. और बीच में वो उनका थिक बैंड होता है, विच इज कॉल्ड अ बेली. ठीक है, यहां तक क्लियर है हम? लेट्स लुक एट द डायग्राम. आई विल शो यू इन द डायग्राम नाउ. वन मिनट. ये देखिए, सी सी द डायग्राम ऑन द राइट साइड. ओरिजिन देख रहा है, एक बोन को कनेक्टेड है, और इंसर्शन कोई दूसरी बोने देखी, और बीच में जो लंप है बेली. एम आई क्लियर? दैट्स अ रूल. कोई अननोन नेम के साथ कौन ज्वाइन हुआ क्लास? ये कौन है? SW5TAG9, प्लीज चेंज योर नेम. हेलो मैम. हाँ बोलो. मैम आदित्य गानेकर है. मैम समा आईड नाम. हैव यू चेंज, हैव यू पुट योर करेक्ट नेम? क्या हुआ बच्चा, गया? ओके, एनीवे, ठीक है. सो व्हाट इज दिस? यू कैन सी दैट देयर इज अ ओरिजिन, देयर इज अ इंसर्शन और बीच में बेली. ये सारे स्ट्राइटेड मसल्स के लिए एप्लीकेबल है. सिर्फ हाथ पे नहीं, हाथ हमारा टिपिकल डायग्राम होता है, बहुत इजी, इसलिए हम उसको बनाते हैं. ठीक है, बट अदरवाइज ये हमेशा हर मसल, आपकी फिंगर में भी अगर मसल कनेक्टेड है तो वो एक बोन से दूसरे पे जाएगा. कीप दैट इन माइंड. ओरिजिन, इंसर्शन एंड बेली. सो कैन वी राइट अ 3 mark आंसर योर? सी, it's very easy to write. See, the end muscle attached to a stationary bone is called origin. The opposite end attached to the bone which we are going to move is called insertion. Aur beech mein jo thick part hai usko bolte hain belly. To hamare paas origin, insertion aur belly. Theek hai, origin kaun si bone se connected hai? जो खुद मूव नहीं होगी. इंसर्शन, जो मूव की जाएगी. और बेली, थिक पार्ट. इज इट क्लियर क्लास ऑल ऑफ यू?
आई होप यू आर गेटिंग इट ऑल ऑफ यू. इज इट क्लियर क्लास? यहां तक क्लियर है? ठीक है. अब क्लास ये एक बेसिक रूल हुआ, अब हमें दूसरा रूल भी देखना उसमें. ठीक है. सो लेट्स लुक अहेड ऑफ दिस. यस, ये बहुत टिपिकल एस्पेक्ट है. आप इस लाइन को बाय हार्ट करेंगे. मसल्स कैन पुल एंड दे कैन नेवर पुश द बोल. अंडरस्टैंड द रूल. मसल्स कैन पुल. पुल मतलब, अच्छा एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. अगर आप वेल से पानी निकाल रहे हो, कहां से? वेल से. तो आपने कुएं में एक बाल्टी डाली रस्सी के साथ, ठीक है. फिर उसको आप खींचोगे ना ऊपर, पानी को रस्सी से बाल्टी को खींचोगे. आप पुल कर रहे हो कि कुआं नीचे से धक्का मार रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मसल्स कैन पुल, दे कैन नेवर पुश. प्लीज मेक इट अ रूल. दूसरा इसी को अंडरस्टैंड करने का रूल. मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट ऑन देयर ओन, दे कैन नॉट रिलैक्स ऑन देयर ओन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट ऑन देयर ओन, दे कैन नॉट रिलैक्स ऑन देयर ओन. ओके, आर यू बाय हार्टिंग दिस? ओके, मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट. प्लीज लर्न. कैन दे रिलैक्स? यस, बट नॉट ऑन देयर ओन. वो खुद को रिलैक्स नहीं कर सकती. मसल्स कैन पुल. कैन दे पुश? नहीं, उनको कोई दूसरा मसल पुश कर सकता. ठीक है, आई बात समझ में? ये परमानेंट रूल आप याद रखें. लेकिन जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्रेन उसको बोलता है रिलैक्स रिलैक्स. ब्रेन ऑर्डर देना शुरू कर देता है. ब्रेन का काम क्या है? मसल को कॉन्ट्रैक्टेड नहीं रहने का. ठीक है, तो जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्रेन क्या मैसेज भेजना शुरू, मतलब उसको फोर्स करने लगता है, रिलैक्स हो जाओ रिलैक्स हो जाओ. ठीक है, पर वो तो नहीं हो सकता. इसलिए हमेशा मसल्स जोड़ी में काम करते. दे आर अ सेट, दे आर अ पेयर. एक रिलैक्स करता है तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, फिर दूसरे को रिलैक्स करने के लिए. इफ वन इज कॉन्ट्रैक्टिंग, टू इज रिलैक्सिंग, देन टू विल कॉन्ट्रैक्ट, तो वन विल रिलैक्स. दैट इज अ रूल. सो दे ऑलवेज वर्क इन अ सेट, इन अ पेयर. पहले मैंने आपको खींचा पुल, अब आप मुझे खींचोगे. मैं आपको पुश नहीं कर सकती, सिर्फ पुल कर सकती. इज इट क्लियर? प्लीज बाय हार्ट दिस रूल. प्लीज बाय हार्ट द रूल. ओके, मसल्स वर्क इन पेयर एंड प्रोड्यूस अपोजिट एक्शन. ठीक है, अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसका साथ वाला मसल ऑटोमेटिकली रिलैक्स होगा. फिर वो जो साथ वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाएगा. ठीक है, तो जब पैर में काम करते दोनों मसल क्या कर रहे हैं क्लास? वो दोनों मसल क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वो एक ही काम कर सकते हैं, पुल. पुश कोई कर ही नहीं सकता. तो पहले ए बी को पुल करता है, फिर बी ए को पुल करता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? डोंट राइट. ए विल कॉन्ट्रैक्ट तो बी ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाएगा. बी विल रिलैक्स नहीं, वो ऑटोमेटिकली ए की वजह से रिलैक्स हो रहा है, खुद से वो रिलैक्स नहीं हो सकता. इज दैट क्लियर? व्हाट इज द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ मसल? दे कैन कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर दे कैन ओनली पुल एंड दे कैन नॉट पुश. अब आप देखिए, सबसे फेमस मसल ऑलवेज व्हाइल टीचिंग स्केलेटल मसल इज द बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स. बाइसेप ट्राइसेप्स हमको पता है, हमें पता है ना ये बाइसेप्स होते हैं, करेक्ट? मोस्ट ऑफ दी फिटनेस वाले अपने बाइसेप्स को डिस्प्ले कर रहे होते हैं. छोटे बच्चे अपना पावर दिखाने के लिए अपने बाइसेप्स को डिस्प्ले करते हैं, करेक्ट? फाइन. और उसके साथ का जो जोड़ी जा रहा है उसका नाम है ट्राइसेप्स. ये देखिए, दो है ना, एक बोन के दोनों तरफ है. देखो, बाइसेप्स ट्राइसेप्स. इज इट अ पेयर? यस.
अब बाइसेप ट्राइसेप का साइंटिफिक नेम है फ्लेक्सर एक्सटेंसर, प्लीज रिमेम्बर द वर्ड फ्लेक्सर एक्सटेंसर, हमेशा साथ में, इट हैज टू बी अ पेयर, ठीक है, एंड दे ब्रिंग अबाउट अपोजिट एक्शन, दे विल ऑलवेज ब्रिंग अबाउट अपोजिट एक्शन. अपोजिट के लिए हमारे पास वर्ड है एंटागोनिस्टिक. दिस विल बी द क्वेश्चन, एक्सप्लेन एंटागोनिस्टिक मूवमेंट. अभी हमने मूवमेंट नहीं किया पर ये वर्ड एंटागोनिस्टिक मतलब इक्वल एंड अपोजिट, मतलब इक्वल एंड अपोजिट. इज इट क्लियर क्लास? यस, आर वी गेटिंग दिस पार्ट ऑल ऑफ यू? ये देखिए बाइसेप ट्राइसेप, एक कॉन्ट्रैक्ट दूसरा रिलैक्स, यहाँ पे देखिए फाइन, एंड दिस इज गोइंग टू बी द बेसिक. अब हम बाइसेप ट्राइसेप की क्यों बात कर रहे हैं क्लास? क्योंकि क्योंकि बाइसेप ट्राइसेप इजी टू अंडरस्टैंड, पोजीशन इजी, आप देख सकते हो, आप अपने हाथों में देख सकते हो, आप खुद समझ सकते हो उसको. सपोज यहीं पे मैं आपको अगर पैरों का एग्जांपल दूं तो पैर का डायग्राम, उसके मसल्स बनाना डिफिकल्ट होगा. अगर मैं फिंगर्स का दूं तो बहुत ही छोटा हो जाएगा एग्जांपल साइज में. बाइसेप ट्राइसेप आप पर्सनली देख सकते हो, अपने हाथों को मूव होते हुए खुद देख सकते हो, इसीलिए दिस इज वन ऑफ द टिपिकल फीचर विच वी ऑफन एक्सप्लेन वाइल मसल मूव. ठीक है, तो हमें पोजिशन पता. अब क्लास जो फर्स्ट मूवर है, जो सबसे पहले मूव करेगा, ओके, लेट्स से नॉर्मल कंडीशन में मेरे हाथ नीचे हैं, अगर हम उसे ऊपर पुल करते हैं तो यो वो कर रहा है बाइसेप, उसको बोलते हैं प्राइम मूवर, उसको बोला जाता है प्राइम मूवर. ये देखिए बाइसेप ने हाथ ऊपर उठाया मेरा, सी माई हैंड, इट हैज कम अप टुवर्ड्स द बॉडी, आई एम शोइंग यू द डायरेक्शन, ये है डायरेक्शन, तो बाइसेप मेरा प्राइम मूवर है. और जो भी मूवर होता है उस तरफ मसल का बंडल आ जाता है. ये देखिए बेली, बेली किस तरफ ज्यादा दिख रही है? प्राइम मूवर की तरफ. ठीक है, अब इसको खुद तो रिलैक्स नहीं हो सकता, तो फिर ट्राइसेप को कुछ करना पड़ेगा. ये देखिए ट्राइसेप ने मेरे हाथ को वापस भेज दिया नीचे, सी एरो, देखिए हाथ नीचे चला गया, और ट्राइसेप यहाँ पे मेरा मूवर हो गया, देखिए. लेकिन ट्राइसेप क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर बाइसेप ऑटोमेटिकली क्या हो गया? रिलैक्स. बेली किसकी तरफ होती है? जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है. आर वी गेटिंग दिस? फाइव, इफ वन मेंबर ऑफ अ पेयर इज बेंडिंग द जॉइंट बाय पुलिंग द बोर्ड, अदर इज गोइंग टू मेक इट स्ट्रेट. आई विल ड्रॉ दिस लाइन. If one member is bending the joint like this, the other is making it straight like this. Correct? Yes? तो एक member जो joint को bend कर रहा है उसका नाम है bicep, और एक जो उसको सीधा कर रहा है उसका नाम है tricep. ठीक है? But they are working equal and opposite, antagonistic movement. ठीक है? अब प्लस आपको दो वर्ड दिख रहे हैं, वन इज पुलिंग द बोन एंड द अदर इज ऑल्सो पुलिंग द बोन. देखो पुलिंग पुलिंग लिखा है दोनों जगह. आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि हमने अभी अभी बोला मसल्स कैन पुल, दे कैन नॉट पुश. इज इट वेरी क्लियर? डिड यू गेट द वर्ड पुलिंग एंड पुलिंग? वन इज बेंडिंग द बोन बाय पुलिंग, the other is making it straight, but how? By pulling again. ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा था? आप मुझे पुल कर रहे हो, मैं भी आपको पुल ही कर सकती हूँ, पुश नहीं कर सकती. That's a rule. Please by heart. It is pull contract by choice, and it is relaxing by activity of other, not on your own. Are we clear with these things, please? Just confirm this much. Muscles can, अपने मन में at least बोलिए pull. Muscles can contract
फाइन मसल्स कैन नॉट पुश दे कैन नॉट रिलैक्स ऑन देयर ओन. मसल्स रिलैक्स करते हैं हाँ, पर अपने आप नहीं, किसी और मसल को उसको हेल्प करना पड़ता. एंड दैट इज वाई दे आर ऑलवेज इन सेट. ठीक है ओके. सो वी कम टू द वर्किंग ऑफ द मसल्स एंड वी विल बी लुकिंग एट वन मिनट. ये देखिए जो मेन मूवर होता है ये देखिए उसको बोलते हैं अगोनिस्ट. बाइसेप जिसने हाथ को ऊपर बेंड कर रखा है इस वक्त उसको बोलते हैं अगोनिस्ट. ओके दिस कॉजेज अ स्पेसिफिक मूवमेंट. चेक दिस कॉजेज अ स्पेसिफिक मूवमेंट बाय कॉन्ट्रैक्टिंग. मे बी यहाँ पे मैंने हाथ को बॉडी की तरफ पुल किया. ठीक है फिर दूसरा जो इसका अपोजिट करेगा उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट. एंटागोनिस्ट मतलब अपोजिट. तो ट्राइसेप क्या हो गया एंटागोनिस्ट ऑफ बाइसेप. ट्राइसेप क्या है हमारा एंटागोनिस्ट जो बोन को वापस सीधा कर देगा. ठीक है लेकिन यार सिर्फ दो बड़े बड़े मसल्स हैं उनको भी साइड में थोड़ा सपोर्ट चाहिए. तो उनके साइड में जो छोटे छोटे मसल्स होते हैं जो उनको होल्ड करके पोजिशनली रखते हैं उनको बोलते हैं सिनर्जिस्ट. उनको बोलते हैं सिनर्जिस्ट. सिनर्जिस्ट का मतलब हेल्पर्स. हु आर सिनर्जिस्ट दे आर हेल्पर्स. ओके आई अगेन रिपीट मैंने तीन वर्ड यूज किए यहाँ पे अगोनिस्ट एंटागोनिस्ट सिनर्जिस्ट. अगोनिस्ट कौन होते हैं द मेन मूवर द प्राइम मूवर जो एक्चुअल एक्शन करेगा. हाथ को बॉडी की तरफ लिया हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे फिर दूसरा उसका एग्जैक्ट उल्टा करेगा उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट. वो वापस बोन को अपनी पोजीशन पे ले आएगा. और इस मूवमेंट में जो हेल्प करते हैं छोटे वाले मसल्स उन दोनों मसल्स के आजू बाजू में उनको बोलते हैं सिनर्जिस्ट दे असिस्ट. ठीक है इज दैट क्लियर फाइन. जो मेन मूवर होता है ज्यादातर स्ट्रांग होता है इसीलिए आपने भी नोट किया होगा आपके बाइसेप्स आपके ट्राइसेप्स से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं. या तो और एक बात हम बोल सकते हैं हमेशा जो मसल यूज में होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं. करेक्ट आप अगर आप राइट हैंडेड पर्सन हो तो आपका राइट हैंड लेफ्ट से ज्यादा स्ट्रांग होता है. करेक्ट अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो आपका लेफ्ट हैंड के मसल्स राइट से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं. यू मस्ट हैव नोटेड दैट कि अगर मैं एक राइट हैंडेड पर्सन को पेंसिल से लिखने बोल दूं तो ही विल फाइंड कि लेफ्ट हैंड से लिखना बहुत डिफिकल्ट है. हम सिंपल एक पेंसिल भी नहीं होल्ड कर पाते. व्हाट इज दैट दैट इज इटसेल्फ शोइंग द मसल्स रिजिडिटी कि वो ऐसे ही मूव करेगा जैसा उसको ट्रेन किया. यस बट यू कैन टोन ट्रेन एंड मेक योर मसल्स स्ट्रांग. यू नो देयर आर सो मेनी पीपल जो फिजिकली मसल फिटनेस करते हैं वो अपने एक पर्टिकुलर मसल्स को एक पर्टिकुलर वे में डेवलप करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं ना. आपके एब मसल्स हैं सिक्स पैक एट पैक ये ज्यादातर जो स्पेशली फिल्म लाइंस में हीरो जैसे होते हैं या जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह वाले होते हैं वो मसल्स के ऊपर काफी काम करते हैं ना. एब मतलब एब्डोमिनल मसल्स. यस एब्डोमिनल मसल्स तो उनको वो डेवलप करते क्योंकि क्लास अगर आप नॉर्मली अपना एब्डोमेन देखो तो उसमें मसल्स है पर वो डेवलप्ड नहीं है. वो डेवलप्ड नहीं है क्योंकि हम सीधा चलते हैं. हम एब मसल से चलते नहीं. हम पहले जब हम क्रॉल करते थे ओके मैं आई एम टॉकिंग ह्यूमन बीइंग व्हेन ही वाज लाइक एप एंड मोर लोअर ऑर्गेनिज्म तब हम एब मसल यूज करते थे तो वो डेवलप थे. अभी क्या हो गया हम सीधा खड़े हो गए ना. वी हैव बिकम स्ट्रेट. वी आर यूजिंग ओनली टू ऑफ लेग्स. वी आर नॉट यूजिंग अवर हैंड. तो क्या हो रहा है एब मसल की जरूरत नहीं पड़ती. आप उसको शौक से डेवलप कर सकते हो वो एक अलग चीज. ठीक है या आपने नोट किया होगा अगर आप कोई जैसे जो एथलीट है उनके पैरों के मसल स्ट्रांग होते हैं ना बहुत ज्यादा फ्लेक्सीबल होते हैं. जो हाथों से कुछ काम करते हैं उनके हाथों के मसल ज्यादा फ्लेक्सीबल होते हैं. You must have noted this, कि मसल जितना यूज करेंगे वो उतना टोन होता है और अच्छा होता है. ठीक है करेक्ट आपको उसकी स्ट्रेंथ प्रैक्टिस से बढ़ानी पड़ती.
थाई मसल्स आर डेवलपिंग। हाँ एथलीट्स में थाई भी और काफ भी, यस स्पोर्ट्स वाले, सारे स्पोर्ट्स वालों के थाई और काफ, और बाकी अगर वो लॉन्ग टेनिस बैडमिंटन तो आपके रिस्ट, रिस्ट की भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है, और उसके लिए उनको स्पेशल एक्सरसाइज कराई जाए। फाइन, तो ये देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंट एंटागोनिस्टिक मसल्स। इम्पोर्टेंट कितने पढ़ने हैं हमको, छह पढ़ने हैं। देयर आर सिक्स एंटागोनिस्टिक मसल्स टू स्टडी, दे कैन आस्क यू एनी टू फॉर 4 मार्क्स। सो लुक, पहला वाला हम एक्चुअली देख चुके हैं, फ्लेक्सर एंड एक्सटेंस, ये जो एक्शन है बॉडी का टू ब्रिंग द हैंड टुवर्ड्स द बॉडी फ्लेक्सिंग एंड टू सेंड इट बैक एक्सटेंशन। तो ये जो बाइसेप है ये हमारा फ्लेक्सर है, और जो ट्राइसेप है वो हमारा एक्सटेंसर है, करेक्ट। सो बेंडिंग बाइसेप, स्ट्रेटनिंग ट्राइसेप, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। सो दिस इज वन सेट ऑफ एंटागोनिस्टिक मसल, फ्लेक्सर एक्सटेंस, ठीक है। आप नेक्स्ट पे देखिए, एबडक्टर एंड एडक्टर। एबडक्टर, क्लास एबडक्शन क्या होता है, जैसे किसी को किडनैप कर लिया, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो मैंने मेरे हाथों को बॉडी से दूर लेके जा रही हूँ ना, एबडक्शन। ये देखो फिंगर्स को एक दूसरे से मैं दूर कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, एबडक्शन। तो जो बॉडी पार्ट्स को बॉडी से दूर, बॉडी की बेसिक एक्सिस से दूर करते हैं उसको बोलते हैं एबडक्टर्स, और जो नजदीक लाते हैं एडक्टर। एड, एड देखिए इधर, नजदीक लाना, जोड़ना, एडक्टर, एबडक्टर। देखिए दूर हो रही है ना उंगलियां, आर यू अंडरस्टैंडिंग, तो व्हाट इज इट, एबडक्टर एडक्टर, इज इट क्लियर, यस। टू मूव द आर्म अवे, टू मूव द आर्म टुवर्ड्स द बॉडी, दैट इज वन थिंग, करेक्ट। ऐसे बहुत सारी जगह पे होगा, सेम विल वर्क फॉर द लेग्स ऑल्सो। सी, कैन यू सी डेल्टॉइड मसल्स ऑफ द शोल्डर्स, मूव द आर्म अवे फ्रॉम द, पीटी करते स्कूल में, अभी कॉलेज में तो पीटी वगैरह कम होता है, बट स्कूल में करते थे ना एक्सरसाइज, हाथ ऐसे स्प्रेड करके फिर वापस बॉडी की तरफ, है ना, 1 2 3 4, हमें एक पर्टिकुलर वे में एक्शन कराया जाता था ना, वी ऑल रिमेम्बर दोज एक्शंस, करेक्ट। तो एक एबडक्शन, दूसरा एडक्टर। तो क्या कराते थे फिजिकल एक्सरसाइज में, मसल की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा रहे थे। फाइन, गेटिंग इट, सो लाइक दिस यू हैव टू गिव एग्जाम्पल। आप ये देखिए, प्रोनेटर सुपीनेटर। सुपीनेटर आपका हाथ, उसको मैं बेगिंग हैंड बोलती हूँ, बेगिंग हैंड, देखो उसने कैसे रखा है, कुछ मांग रहा है जैसे, और प्रोनेटर गिविंग हैंड, देखो ब्लेसिंग्स है, लाइक दैट, करेक्ट। सो सी, प्रोनेटर टर्न्स द पाम डाउनवर्ड एंड सुपीनेटर टर्न्स द पाम अपवर्ड, सुपीनेशन प्रोनेशन, सुपीनेटर प्रोनेटर। कैसे मसल है ये, कैसे मसल है, एंटागोनास्टिक, एंटागोनास्टिक। फिर देखिए लीवेटर डिप्रेसर। लीवेटर वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड एलिवेटर, एलिवेटर जो ऊपर ले जाता है ना आपको, लिफ्ट। तो ये देखिए, अभी आप लिप्स देखिए, यहाँ पे एक बहुत कॉमन चीज जो आप लोग ऑफन यूज करते हैं वो क्या है, स्माइली बनाते हो ना, स्माइली, करेक्ट। तो स्माइली में क्या होता है, ये लिप्स ऊपर की तरफ ले जाते ना, ये देखिए आप वो मसल्स को देखिए, सी केयरफुल, आई एम पुलिंग द मसल अप 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 अप, ये देखिए अप, ये मेरे कौन से मसल हैं, लीवेटर्स जो ऊपर खींच रहे,
आर यू गेटिंग इट? और यहीं पे जब हम क्राइंग अगर बना रहे हैं तो ऐसे बनाते हो आप, करेक्ट? ये देखिए, ये क्राइंग फेस है, करेक्ट? अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, डिप्रेसर ना, ये देखिए नीचे खींच रहा है, नीचे खींच रहा है, ये देखिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप यू कैन सी आपके लिप्स को कितने मसल्स होल्ड कर रहे हैं। यू मस्ट हैव हर्ड ना कि हंसने के लिए कम मसल्स लगते हैं और रोने के लिए ज्यादा, तो इट इज बेटर वी स्माइल। ऐसी सेइंग सुनी होगी ना बहुत बार, इट्स बेटर टू स्माइल बिकॉज स्माइल टेक्स लेस एफर्ट, तो वहां पे मसल्स इजीली काम करते हैं। तो कौन से मसल्स आपको ऊपर करते हैं, लिवेटर, और जो नीचे करते हैं, डिप्रेसर। इसमें और एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, जब आप यू नो बिकॉज यू आर इन दैट एज ग्रुप, बिकॉज यू आर अभी थोड़े बड़े हो गए, तो जैसे मम्मी कभी कभी बोलती है ना कि ऊपर से ये चीज निकाल दो, थोड़ा सा हाथ ऊपर करके। आप में से बहुत सारे बच्चे अपनी मम्मी से भी लंबे हो गए होंगे, तो आप ऐसे हाथ ऊपर करके वो चीज आराम से निकाल लेते हो, थोड़ा सा पैर को ऐसे उठाते हो हल्का सा, अगर रीचेबल नहीं तो थोड़ा सा पैर उठाते हैं हम। क्या कर रहे हो आप, लीवेट कर रहे हो बॉडी को, लीवेट कर बॉडी को ऊपर किया। आप जहां पे भी बैठे या खड़े हो, यू कैन जस्ट रेज योर सेल्फ ऑन योर टोज। व्हाट आर यू डूइंग, लिवेटिंग। और वही बॉडी को जब हम नीचे ले आते जमीन पे, आप क्या कर रहे हो, डिप्रेसर। सो लिवेटर, डिप्रेसर। एम आई क्लियर विद दिस? आई होप यू आर गेटिंग इट। यस यस ओके। अब ये देखिए प्रोट्रैक्टर, प्रोट्रैक्टर आगे की तरफ चलेगा, रिट्रैक्टर पीछे की तरफ जाएगा, करेक्ट? तो अपने दोनों जॉस को क्लास, अपना मुंह अगर आप बंद करते, बंद कीजिए और देखिए, ज्यादातर लोगों का अपर जो आगे और लोअर जो पीछे होगा ज्यादातर। इट कैन डिफर, नो नीड टू वरी इफ इट डिफर्स। ज्यादातर हमारा अपर जो, जब आप मुंह बंद करते, लोअर के आगे आते हैं। कुछ लोगों का ऑलमोस्ट इक्वल आएगा, बहुत कम लोगों का ऐसा भी आएगा, लोअर जो आगे आएगा। एक पर्टिकुलर वे में आपका मुंह बंद होता है ना, बराबर? आई होप यू आर डूइंग इट। यस मैम। फॉर योर, करेक्ट? अब ये जॉ, क्योंकि लोअर जो मूवेबल, बाकी कुछ भी मूवेबल नहीं, हमारे पूरे स्कल में एक ही बोन मूव करती है और वो है लोअर जॉ की बोन। ठीक है, पूरे स्कल में 29 बोन्स, 29, और मूव कौन सी करती है, सिर्फ लोअर जॉ। वो कैसे मूव करती है, ये देखिए, कभी आगे आ सकती है, ठीक है, तो उसको आगे लाते हैं, ये देखिए प्रोट्रैक्टर आगे आई ना, और पीछे भी जा सकती है, रिट्रैक्टर। सो इट कैन मूव अहेड, प्रोट्रैक्टर, ये देखिए एरो इधर है, और ये देखिए पीछे आगे, रिट्रैक्टर। सो मसल्स विच कैन मूव फॉरवर्ड, प्रोट्रैक्टर, एंड विच कैन पुल द जॉज बैक, रिट्रैक्टर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग बैक, प्रोट्रैक्टर, रिट्रैक्ट। आप अपने लोअर जॉ को हिला सकते हैं और देख सकते हैं, एक्चुअली आप उसको राइट लेफ्ट भी करते हो, राइट लेफ्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड आप कर सकते हैं, ठीक है? अब आया स्पिंक्टर। स्पिंक्टर्स बहुत यूनिक मसल होते हैं, वो ओपनिंग्स पे होते हैं। ये देखिए हमारा स्टमक दिख रहा है और उसमें दो ओपनिंग्स है, एक है स्टमक के शुरुआत में और एक है एंड में। अब ये ओपनिंग को, बॉडी को क्या करना पड़ता है बार बार, ओपन एंड क्लोज। जब आप खाना खा रहे हैं तो ओपनिंग्स क्या है, ओपन है, ये देखिए फूड अंदर आ रहा है, और ये ओपनिंग बंद हो जाती है। जब आप खाना फुल खा चुके होते हैं, पूरा स्टमक में फूड भर गया है, तो ये ओपनिंग बंद हो जाती है और ये खुल जाती है, ऐसा होता है। तो जब भी ओपनिंग पे मसल्स होते हैं, वो क्या करते हैं,
कंस्ट्रिक्ट और डायलेट हो। कंस्ट्रिक्ट मतलब बंद कर देना, डायलेट मतलब ओपन कर। ओके, ये देखिए क्या होगा यहाँ पे, बोलो, कंस्ट्रिक्शन, तो ये बंद हो जाएगा। अगर हमें खुला रखना है तो डायलेशन, कंस्ट्रिक्ट, डायलेट। ये देखिए कंस्ट्रिक्ट, यही सेम चीज आपके आईबॉल में भी, आपकी आंखों में जहां से रोशनी जा रही है, करेक्ट, आपके आईज में जहां से भी रोशनी जाती है, छोटी सी एक ओपनिंग है, प्यूपिल, करेक्ट, वो प्यूपिल क्या होता है, कंस्ट्रिक्ट होता है, डायलेट होता है। जब अंधेरा बहुत होता है तो वो डायलेट। यू मस्ट हैव अंश, एनी डाउट यू हैव, और बाय चांस यू हैव रेज्ड योर हैंड? मिस, आई हैव डाउट। हाँ बोलो। मिस, ये मसल हमारे कंट्रोल में कैसे रहता है, जबकि ये जो इनर मसल, नहीं है कंट्रोल, इट्स नॉट इन कंट्रोल, बट दे आर एंटागोनिस्ट। स्टमक का मसल आपका कंट्रोल में नहीं है, ओके, इवन प्यूपिल के भी। यार आई एम टॉकिंग अबाउट अपोजिट मूवमेंट, नॉट अबाउट कंट्रोल, ओके मैम। इनवॉलंटरी मसल, हाँ ये इनवॉलंटरी है, बट फिर भी अपोजिट है। देखो इनवॉलंटरी हो, कार्डियक हो, स्ट्राइटेड हो, सारे मसल्स पैर में ही काम करते। दूसरी बात, सारों में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली रिलैक्स होगा, ये रूल अप्लाई है। तीसरी बात, अगर एक बॉडी के कोई ऑर्गन को बंद कर रहा है तो दूसरा उसको खोलेगा, एक बॉडी की तरफ जा रहा है तो दूसरा अपोजिट जा रहा है, चाहे वो वॉलंटरी एक्शन हो या इनवॉलंटरी। ठीक है, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ये बात क्लियर है? ये देखिए स्टमक हमारे कंट्रोल में नहीं, आपने सिर्फ खाना खाया तो स्टमक इस वक्त क्या करेगा, इसको बंद कर देगा। किसको? इसको। अब मैंने बोला खाना पूरा फुल हो गया है तो आपको ऐसे लगता है ना कि पेट बहुत भर गया, अभी एकदम गले तक आ रहा है, तो आप इसके ऊपर खाना खा रहे हो, फिर स्टमक इसको बंद कर रहा है तो आपको एक फीलिंग आने लगती है कि ओ नाउ आई हैव ईटन टू मच। तब स्टमक क्या करता है, इसको खोल देता है कि ओके नाउ डाइजेशन होने के बाद इसको आगे जाने देगा। ऐसे इट्स अ सिस्टम, ऑटोमेटिकली वर्क। ओके, सेम क्लास मैं आई की भी बात कर रही थी ना, जैसे यू नो कभी कभी जब लाइट चली जाती है घर में, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है, तो अचानक एकदम डार्क होता है, कुछ दिखाई नहीं देता, फिर थोड़ी देर बाद दिखाई देने लगता है थोड़ा। अपने घर में अपनी, आपको तो पता है ना आपके घर में सोफा किधर है, बेड किधर है, टेबल किधर है, यू कैन वॉक, एम आई राइट? यस मैम, बराबर चल सकते। तो थोड़ी देर बाद कैसे दिखाई देता, पहले क्यों नहीं दिखा, व्हाट हैपेंस, उस वक्त क्या होता है? ये हमारी आंखों का प्यूपिल है, बराबर ना, वहां पे कुछ हो रहा है ना, ये आपका आईबॉल, आईबॉल, ठीक है। अब क्या होता है, जब अंधेरा होता है तो ये प्यूपिल वाइड ओपन हो जाता है, और जब अंधेरा नहीं बहुत उजाला होता है तो वो कंस्ट्रिक्ट होता है, बंद होता है। ऐसे देखो दोनों के ओपनिंग में डिफरेंस दिख रहा है ना हमें, तो एक में क्या हो रहा है, वो लाइट कम ले रहा अंदर क्योंकि लाइट बहुत है, और एक में वो ज्यादा लाइट लेने की कोशिश कर रहा है क्योंकि लाइट कम है। इजंट इट इंटेंसिव डेंस स्ट्रक्चर ऑफ आई, सीलियरी मसल्स, करेक्ट, दे कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, करेक्ट। तो यही हो रहा है, और ये 12th में है आपको डिटेल में। नाउ अनफॉर्चुनेटली जैसे यू आर टू यंग फॉर इट, पर आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, देखो डेड बॉडी को चेक करता है जब डॉक्टर, तो वो आईज के ऊपर टॉर्च डाल के देखता है, और वो देखता है कि प्यूपिल का कुछ एक्शन हुआ, प्यूपिल अगर खुल रहा है ब्राइट लाइट में, या सॉरी कंस्ट्रिक्ट हो रहा है ब्राइट लाइट में, तो वो इंडिकेटर होता है कि पर्सन अलाइव है ना। तो दैट इज वन ऑफ द वे टू चेक, बिकॉज द आईज आर वेरी सेंसिटिव ऑर्गन, तो वहां पे मसल्स तुरंत कॉन्ट्रैक्ट और
रिलैक्स होते हैं, ओपन और क्लोज होते हैं, तो वो भी स्पिंक्टर का एग्जाम्पल। ठीक है, जो कोई भी मसल्स ओपनिंग्स पे होते हैं, वो स्टमक की ओपनिंग हो, इंटेस्टाइन की हो, एनल ओपनिंग हो, ईसोफेगस की हो, जो ओपनिंग्स को कंट्रोल करते हैं उनको बोलते हैं हम स्पिंक्टर्स। और वो क्या करते हैं, क्लोज ओपन, क्लोज में कंस्ट्रिक्ट, ओपन में डायलेट, क्लोज में कंस्ट्रिक्ट, ओपन में डायलेट। एम आई क्लियर विद दिस? आई बात समझ में सबको? यस क्लास, इज इट वेरी क्लियर ऑल ऑफ यू? सो आई वुड लाइक यू टू लर्न एटलीस्ट टू मसल्स बाय हार्ट, सो दैट इफ इट कम्स एक्सप्लेन सब इम्पॉर्टेंट एंटागोनिस्टिक मसल्स, तो दो आपको आना चाहिए, बाकी ये एमसीक्यू में भी जा सकता है। डैश टर्न्स द पाम डाउनवर्ड, तो आपको पता होना चाहिए प्रोनेटर। डैश रेजेज द बॉडी पार्ट अप, लिवेटर, करेक्ट। मसल्स गार्डिंग द ओपनिंग्स ऑफ वेरियस बॉडी ऑर्गन्स आर स्फिंक्टर्स। ठीक है, तो वो आपको याद करना पड़ेगा फॉर एमसीक्यू ऑल्सो। टोटली यू आर डूइंग सिक्स, आर वी क्लियर विद दिस ऑल ऑफ यू? फाइन, सो आई होप यू गॉट दिस पार्ट। एग्जाम्पल लर्न करना है तो हमने क्या देख लिया, मसल कॉन्ट्रैक्शन देखा हमने, रिलैक्सेशन की बात की हमने, बोला मसल्स कैन ओनली पुल, उसमें एक प्राइम मूवर है, एक अपोजिट मूवर है, एक हेल्पर है, करेक्ट। दूसरा हमने क्या बोला, मसल्स कैन, दे आर कनेक्टेड टू सम पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन, वहां से वो दूसरी जगह कनेक्ट होते हैं जिसको बोलते हैं इंसर्शन, और जो थिक पार्ट होता है उसको बोलते हैं बेली। जहां पे भी वो कॉन्ट्रैक्ट होता है वहां पे क्या होती है, बेली होती है। जहां पे भी वो कॉन्ट्रैक्ट होता है वहां पे क्या होती है, बेली होती है। ठीक है, इज दैट क्लियर? नाउ क्लास, वी हैव अ बिग टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्राइटेड मसल्स इन डिटेल। उसके पहले आई वॉन्ट टू डू दिस, वन मिनट। या प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स, ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स, मसल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें कंपल्सरी लर्न करनी है। इट वो सारी प्रॉपर्टीज में से एक ही मार्क का क्वेश्चन आएगा क्लास, पर वो एक मार्क के लिए, पर अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत जरूरी। ठीक है, सो वी आर लुकिंग एट प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, मतलब आपका मसल कब मूव होता है, जब उसको कोई स्टिमुला आता है ना ब्रेन से, तो जब ब्रेन से कोई मैसेज आता है तो मसल कैसे बिहेव करता है। ठीक है, मसल कैसे बिहेव करता है, तो इसी अ मसल कॉन्ट्रैक्शन विच स्टार्ट्स, इनिशिएट मतलब स्टार्ट बाय अ सिंगल ब्रीफ, छोटा सा स्टिमुलस आया और वो मसल कॉन्ट्रैक्ट होने लगा तो उसको बोलते हैं सिंगल मसल ट्विच, सिंगल मसल ट्विच। सो व्हाट इज अ सिंगल मसल ट्विच, अंडरस्टैंड, फर्स्ट नो कॉन्ट्रैक्शन, ये मसल है, फिर कॉन्ट्रैक्शन, मैंने उसको छोटा कर दिया और फिर वो धीरे धीरे रिलैक्स। तो व्हाट इज द फेज, आई जस्ट ड्रॉ, नो कॉन्ट्रैक्शन, देन कॉन्ट्रैक्ट हो गया मसल और अब वो धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है। तो व्हाट आर द थ्री फेजेस इन अ ट्विच, नो कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। सो एक सिंगल मसल ट्विच में जब भी कोई मसल को मैसेज मिलता है तो मैसेज मिलने के पहले वो कैसा है, नॉट कॉन्ट्रैक्टेड, उसके बाद क्या हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्टेड, उसके बाद क्या होगा, वो रिलैक्स होगा। देखो क्लास, कोई भी मसल परमानेंटली कॉन्ट्रैक्टेड नहीं रह सकता। मैंने क्या कहा, मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्रेन क्या करता है, तुरंत उसको बोलता है रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ब्रेन मसल को कॉन्ट्रैक्टेड नहीं रहने देगा ज्यादा। ठीक है, यू नो अगर मसल कॉन्ट्रैक्टेड होगा तो क्या होता है, यस, मसल कॉन्ट्रैक्टेड रहता है तो क्या होता, पेन, पेन, ओके गुड। और पेन, जैसे सपोज
मैंने आपसे कहा खड़े हो जाओ और आप बोला अभी 2 घंटे खड़े ही रहने का, तो 2 घंटे में पेन होने लगेगा, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, गुड। और 2 घंटे और मैंने बोला अभी 4 घंटे खड़े रहना, फिर रह सकते हैं क्या हम 4 घंटे 8 घंटे? फिर आप गिर जाओगे ना, बराबर है? हाँ, स्वेलिंग, ठीक है, और बहुत ही तकलीफ दी तो डेप्थ ऑफ मसल, पर्सन की डेथ नहीं बोल रही हूँ, डेप्थ ऑफ मसल। व्हाट इज डेप्थ ऑफ मसल कॉल्ड? क्योंकि बाजू में रिगर मोर्टिस, ओके, रिगर मोर्टिस होता है जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है। अगेन यू आर टू यंग फॉर इट, पर डेड बॉडी जो होती है बहुत स्टिफ हो जाती है, ओके, क्योंकि उसके मसल्स की डेथ हो जाती है, तो वो जिस स्टेज में रहते हैं ना कॉन्ट्रैक्टर, वही स्टेज में रुक जाते हैं ना, डेड बॉडी तो हिल नहीं सकती। तो अगर किसी का हाथ बंद है तो बंद ही रह जाएगा, खुला है तो खुला ही रह जाएगा। अगर आपने कभी नोट किया तो डेड बॉडी के आईलिड्स को बंद कर दिया जाता है, नहीं तो वो खुली रह जाएंगी, ओके, उनके हाथ और पैर को ऐसे पोजिशनली सीधा कर दिया जाता है एक डेड बॉडी को। अगर नहीं तो हाथ ऐसे फैला है तो वो ऐसे ओपन ही रह जाएगा, कहेंगे इट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसको नॉर्मल करने में, क्योंकि मसल के अंदर का ब्लड पूरा ड्राई हो जाता है, मसल एक्टिव नहीं है, डेड हो गया, उसको बोलते हैं रिगर मोर्टिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? परमानेंट स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विच विल लीड टू डेथ। अब ये रिगर मोर्टिस डेथ की वजह से हो रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर मैं मसल को परमानेंटली कॉन्ट्रैक्ट कर दूंगी तो उसकी ऑटोमेटिक डेथ हो जाएगी। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? बहुत बार ऐसे होते हैं ना, यू मस्ट बी सीइंग डिटेक्टिव सीरियल, तो हम उससे उसमें दिखाते हैं कि डेथ शायद 2 घंटा पहले हुई या 5 घंटे पहले हुई या 3 दिन पहले हुई, तो वो मसल की कंडीशन देख के बताते हैं मसल किस स्टेज में है। अगर रिसेंट डेथ है तो उसमें काफी ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड अभी वेट होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, मसल थोड़ा बहुत नॉर्मल होंगे, ऐसा होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द रिगर मोर्टिस। सो व्हाट वर वी डिस्कसिंग थी, मसल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद उसको रिलैक्स होने, वो थोड़ी देर में हो, ज्यादा देर में हो, पर होना जरूर है, ठीक है। सो सिंगल मसल ट्विच में नो कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, समेशन। समेशन मतलब अगर मैंने ऐसा किया, ये देखो मैंने एक कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज भेजा, ये एक स्टिमुलस, फिर दूसरा, फिर तीसरा, बिफोर वो रिलैक्स हो मैं देखो कितने स्टिमुलस भेज रही हूँ कंटिन्यूस, ऐसे ऐसे भेजते जा रही हूँ, तो क्या होगा, इट विल हैव अ समेशन इफेक्ट एंड द मसल विल कॉन्ट्रैक्ट विद मोर स्ट्रेंथ, विद मोर स्ट्रेंथ। देखो क्लास, पहले मैंने एक स्टिमुलस भेजा, उसके जाते ही दूसरा तीसरा कंटिन्यू भेजा, तो क्या होगा, दैट मसल विल कॉन्ट्रैक्ट विद मोर स्ट्रेंथ, दैट इज कॉल्ड समेशन। समेशन मतलब एडिशन इफेक्ट, ठीक है, रिपीटेड स्टिमुलाई विल प्रोड्यूस इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। नीचे एक लाइन है, लास्ट लाइन पढ़िए, स्टेयरकेस फिनोमेना। What is staircase phenomena? जब आप सीढ़ी चढ़ते हो, जब आप सीढ़ी चढ़ते हो तो एक पैर सीढ़ी के ऊपर रखते हो, दूसरा अपने आप उठ जाता है ना, दूसरा उठ जाता है, जैसे उसको रखते हो पहला वाला उठ जाता है, बराबर। और आप सीढ़ी कैसे चढ़ते हो, फिर अगर आप थके हुए नहीं हो तो एक पर्टिकुलर वे में एक पैर दूसरा दूसरा एक ऐसे 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 फट फट फट, वो एक ऑटोमेटिक स्टिमुलस बन जाता है, उसको बोलते हैं समेशन इफेक्ट, द स्टेयरकेस फिनोमेना। व्हेन यू पुट वन अहेड द नेक्स्ट वन
automatically rises. The first is a stimuli for the second, second for the third. और वो automatically ऊपर आने लगता है. That is staircase phenomena, which helps us to climb higher places more easily. Correct? फिर देखो जब आप suppose आप sixth floor चढ़ रहे हो, lift नहीं आज, आप sixth floor चढ़ रहे हो, तो फिर आप थक जाते हो, तो फिर वो phenomena slow हो जाता है ना, क्योंकि है तो stretched muscle, ज्यादा काम नहीं कर सकते, थक जाते, फिर वो slow होने लगता है. ठीक है? टेटानी या तो टेटानस, अंडरस्टैंड, अगर बार बार मसल को स्टिमुलस कर रहे हैं, बार बार रिलैक्स होने ही नहीं दे रहे, स्टिमुलेट, उसके बाद क्या था, रिलैक्स ना, कॉन्ट्रैक्ट के बाद रिलैक्स, नहीं फिर से कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो अब मसल क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्टेड ही रह जाएगा, रिलैक्स ही नहीं होगा, क्योंकि बॉडी उसको रिलैक्स होने के पहले ही बोलती है कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स होने के पहले कहती कॉन्ट्रैक्ट, तो वो क्या करता है, इट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड टेटानी या टेटानस. दैट इज व्हाट इज वी गेट व्हेन यू गेट अ क्रैम्प. क्रैम्प आता है कभी कभी अचानक, पैरों में, हाथों में, अचानक बहुत जोरदार, बहुत दर्द होता है, बहुत बार नींद में आता है, उस वक्त ऐसे लगता है कि बहुत वेरी पेनफुल. क्या हुआ, मसल बहुत देर से कॉन्ट्रैक्टेड रह गया, बहुत देर तक कॉन्ट्रैक्टेड रह गया. यू स्लेप्ट इन अ पोजीशन इन सच अ वे दैट द मसल रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड इन सेम पोजीशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ओके, व्हेन द मसल रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सच अ फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इज नॉट रिलैक्सिंग बैक, आप स्टिमुलस भेज रहे हो कि रिलैक्स रिलैक्स, पर उसको थोड़ा टाइम लगता है, तो उसको बोलते हैं टेटानी या टेटानस. इज इट क्लियर? यस. टेटानस इज अ टिपिकल क्रैम्प विच यू गेट सडन. बहुत बार हमें टेटानस रैपिड स्टिमुलाई ही नहीं, बट डिहाइड्रेशन की वजह से आता है, कभी कभी कैल्शियम की कमी से भी आ सकता है. ठीक है? रिफ्रैक्टरी पीरियड, एक मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो दूसरे स्टिमुलस को तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, उसको कम से कम 0.02 सेकेंड का ब्रेक चाहिए. कितना ब्रेक चाहिए? 0.02 क्लास. यू कैन इमेजिन इट इज अ फ्रैक्शन, बहुत थोड़ा सा लेकिन चाहिए आपको गैप देना कंपल्सरी. अगर आप उतना भी गैप नहीं दोगे तो वो टेटानी में चला जाएगा, आपको कंपल्सरी उतना गैप तो चाहिए बिटवीन द टू स्टिमुलाई, कॉन्ट्रैक्ट ओके देन कॉन्ट्रैक्ट ओके कॉन्ट्रैक्ट 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 कॉन्ट्रैक्ट, आई एम नॉट गिविंग एनी गैप, नहीं नहीं चलेगा. यू आर जंपिंग द रिफ्रैक्टरी पीरियड, इट विल लीड टू टेटानी. ठीक है? थ्रेशहोल्ड स्टिमुलाई, क्लास प्रॉपर्टी समझ में आ रही है? हेलो, I hope you understand. अभिषेक इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या हुआ? हेलो अभिषेक, क्या हुआ डियर? आर यू देयर डियर? ओके मैम, बाय मिस्टेक सेंड हो गया था वो. ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है, मुझे समझ में नहीं आया. ओके, थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई वो होता है मिनिमम स्टिमुलाई फॉर अ मसल टू कॉन्ट्रैक्ट. मतलब आपने देखा, सॉरी क्लास, सपोज आई डोंट नो इफ यू हैव सीन एनी पैरालिटिक पर्सन, वो बहुत कोशिश करता है फिर भी सपोज उसका राइट साइड पैरालाइज, तो राइट साइड को हिला नहीं पाता. क्या प्रॉब्लम क्या हुई उधर? समथिंग हैज गॉन रॉन्ग ना. वो तो बोल रहा है कि हाथ को मैसेज भी आ रहा है कि उठो, पर वो हाथ नहीं उठ रहा. तो जो वो मिनिमम स्टिमुलाई है जिससे कि मसल काम करेगा, वो उसके मसल तक नहीं पहुंच रहा.
So what is threshold stimuli? A certain minimum strength of stimuli, intensity. अगर आप उससे कम इंटेंसिटी पे काम करोगे तो मसल काम नहीं करेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यू नीड अ सर्टेन स्टिमुलस. सपोज आप बहुत ही थक के गिर गए हो नीचे, तो अब आपके पास वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलाय भी नहीं अपना हाथ या पैर हिलाने का. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो थ्रेशोल्ड इज मिनिमम विच इज रिक्वायर्ड. कम से कम उतना स्टिमुलस तो चाहिए तो ही मसल काम करेगा. ठीक है, ये देखिए, ऑल और नन. मतलब अगर मसल फाइबर काम करता है आइजर जॉइंट, ये देखिए, ठीक है, और ये मसल ने डिसाइड किया कि कॉन्ट्रैक्ट होना है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया ऐसे, तो अगर वो काम कर रहा है, देखिए कॉन्ट्रैक्टेड है, ओके, और यहाँ पे वो रिलैक्स्ड है, ये रिलैक्स फिलहाल, तो या तो वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा या तो नहीं हो, वो बीच में नहीं रुक सकता. यानी जब तक मसल श्योर नहीं है कि मुझे पूरा कॉन्ट्रैक्ट होने का एनर्जी और पावर है, तब तक वो काम शुरू ही नहीं कर. मतलब व्हेन द मसल इज वेरी श्योर, ओके, आई कैन कंप्लीट दिस कॉन्ट्रैक्शन, तो ही वो उसको करेगा. सो इट इज ऑल, मतलब पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा या तो नहीं होगा. ऐसा नहीं हो सकता. अभी आई ड्रॉ अनदर डायग्राम. सी, ऐसा नहीं हो सकता, ये पार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो पाया, बस ऐसे रुक गया. नहीं, या तो शुरू ही नहीं होगा. सो व्हाट इज इट? ऑल और नन. सो स्टिम्यूलस विच इज बिलो द थ्रेशोल्ड, उससे कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता. ओके, थ्रेशोल्ड मतलब नॉर्मल स्टिम्यूलस, उससे कॉन्ट्रैक्शन होता है. उससे ज्यादा स्टिम्युलस दिया तो भी उतना ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, कम से कॉन्ट्रैक्शन होता ही नहीं. आई विल जस्ट गिव यू वन एग्जांपल. सपोज आप बहुत दूर खड़े हो मुझसे, बहुत दूर, और मैं आपको जोर जोर से आवाज दे रही हूँ, पर अब तक तो पहुंच ही नहीं रही, तो स्टिम्युलाई बिलो थ्रेशोल्ड आप देखोगे भी नहीं, क्योंकि आप तक आवाज नहीं आ रही. ठीक है, चेंज करते हैं, मैं थोड़ा चल के जाती हूँ, आपके नजदीक आ जाती हूँ और आपको आवाज, थ्रेशोल्ड मिल गया, मतलब आपको सुनाई दिया कि मिसने आवाज, फाइन, और मैं आपके एकदम नजदीक आ जाती हूँ, बहुत, और बहुत जोर से चिल्लाती हूँ, तो भी आपका, तो आपको स्टिमुलस फिर भी उतना ही मिल, वो ही आ रहा है ना कि यस मिसने मुझे बुलाया, चाहे मैं दूर से बुलाऊं या नजदीक से. सो स्टिम्युलस बिलो थ्रेशोल्ड, नो एक्शन. थ्रेशोल्ड, प्रॉपर एक्शन. Higher stimulus, same action. ठीक है, so muscle fiber contracts either fully or it will not start also or not at all. This is all or none principle. What is it called? All or none. अगर contract होगा तो contract होता जाएगा, complete करेगा उसको. जैसे heart का muscle हमने पढ़ा था कि एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है क्योंकि उसके सारे मसल कनेक्टेड है, तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, तीसरा है. अगर एक स्टॉप हुआ तो पूरा हार्ट स्टॉप हो जाएगा, करेक्ट? तो पर्सन को हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि रूल क्या है, ऑल, या तो सब काम करेंगे या तो कोई भी नहीं करेंगे, या तो पूरा काम करेंगे या शुरू ही नहीं करेंगे. ऑल और नन प्रिंसिपल. फाइन क्लास, आई होप यू गॉट दिस. फाइन, ओके, यहां तक क्लियर है? सिंगल मसल ट्विच, दैट इज नो कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, समेशन, मेनी स्मॉल ट्विचेस टुगेदर कैन गिव अ लार्ज इफेक्ट. टैनी इफ द मसल रिमेन्स कॉन्ट्रैक्टेड, अनएबल टू रिलैक्स एट ऑल, इट्स इन अ वेरी रिस्की स्टेज. अगर वो बढ़ गया तो रिगर मोर्टिस हो सकता है. रिफ्रैक्टरी पीरियड 0.02 सेकंड मिनिमम रिक्वायर्ड बिटवीन टू स्टिमुलाय. थ्रेशोल्ड इज द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलाय. ऑल और वन, पूरा काम होगा या बिल्कुल नहीं होगा. ठीक है, शुरू ही नहीं होगा. एंड ये अब लास्ट वाला, इसलिए मैंने रुका है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
जब भी हम मसल से बहुत काम करवाते हैं उसको बहुत एनर्जी लगती है, इसलिए मसल के पास ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए, मतलब ब्लड सप्लाई बहुत होना चाहिए। तो जब ब्लड फ्लो होता है मसल की तरफ उसको बहुत सारा ऑक्सीजन मिलता है तो वो काम करता है। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा ही स्ट्रेनियस काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हेक्टिक या फिजिकल, ओके, जैसे हम मैराथन भाग रहे हैं तो कंटिन्यू भाग रहे हैं बहुत लंबा डिस्टेंस, तो ऑक्सीजन सप्लाई कम होता जाता है, धीरे धीरे एनर्जी का सप्लाई कम होने लगता है और मसल्स बिना ऑक्सीजन के एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। लुक एट दिस वर्ड, ऑक्सीजन सप्लाई क्या हुआ, लेस, लेकिन हमको तो काम, हम भाग रहे अभी भी, तो मसल बोलते हैं अच्छा ठीक है बिना ऑक्सीजन के काम करो, पर जब वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट बन जाएगा लैक्टिक एसिड और वो जमा हो जाएगा। कहाँ जमा हो जाएगा, मसल में, जो यूजुअली नहीं होता। हर रोज मेरी बॉडी लैक्टिक एसिड नहीं बनाती, लेकिन आज मैंने बॉडी से वो काम कराया जिसकी बॉडी को बिल्कुल आदत नहीं थी, कभी प्रैक्टिस भी नहीं थी, है ना। सपोज अभी संडे है तो मैं सोच रही चलो संडे को एक मैराथन भागते हैं, सो आई एम रनिंग सडनली 10 किलोमीटर। अब मैं बहुत सालों से भागी नहीं तो फिर बॉडी बोल रही है क्या है, तो ठीक है बॉडी सपोर्ट कर रही है, मैं भाग रही हूँ, आई कवर द 10 किलोमीटर, बट बॉडी विल प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड जो मसल में जमा हो जाए, तो उससे एनर्जी कम मिलेगी एंड इट इज टॉक्सिक, तो मेरी बॉडी को शुरू होगा पेन, टायर्डनेस एंड क्रैम, करेक्ट, मसल क्रैम डेवलप हो जाता है। आप में से बहुत बच्चे जो स्कूल में काफी एक्टिवली स्पोर्ट्स में होते हैं, सडनली कॉलेज लेवल पे आके मेनी ऑफ यू, मतलब दैट इज व्हाट आई हैव नोटेड, कि आप लोग आउटडोर एक्टिविटीज में कम जाते हो, खेलते कम हो, भाग दौड़ वाला काम स्पेशली स्पोर्ट्स कम हो जाता है आपका, स्पेशली साइंस में। तो फिर एक दिन अचानक हेलो क्लास, आई थिंक आई गॉट डिसकनेक्टेड, सॉरी, गेटिंग बैक टू यू, वन सेकेंड, वन मिनट, एक्सट्रीमली सॉरी। तो अगर आप सडन एक्टिविटीज करते हैं जिसकी बॉडी को आदत नहीं है तो क्या होगा, बॉडी में क्रैम्प डेवलप, जब क्रैम डेवलप होगा, ओके, तो लैक्टिक एसिड की वजह से, जब तक वो लैक्टिक एसिड बॉडी से वापस ब्रेक डाउन नहीं हो जाए, ठीक है, तब तक पेन होता रहेगा और उसको ब्रेक करने के लिए बॉडी को लगता है बहुत सारा ऑक्सीजन, ये देखिए बहुत सारा ऑक्सीजन, सो द ऑक्सीजन कंजम्पशन विल इंक्रीज, ओके, वो लैक्टिक एसिड को ब्रेक करेगा, अपने आप को रिकवर करेगा, दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डेथ। व्हाट इज द ऑक्सीजन डेथ, डेथ यानी कर्जा। तो पहले आपने मसल को ऑक्सीजन नहीं दिया, उससे काम कराया, उसने बेचारे ने बिना ऑक्सीजन के सब काम किया, तो आपने उससे एक तरीके से कर्जा ली, अब वो कर्जा लिया तो लैक्टिक एसिड बन गया, अब रिटर्न करो कर्जा, आपको वापस देना पड़ेगा ना लोन, तो वो लोन में क्या देना पड़ेगा, ऑक्सीजन, कितनी ज्यादा, क्योंकि आपने लोन लिया तो अभी इंटरेस्ट भी भरूं, तो आपको ऑक्सीजन बहुत सारा देना पड़ेगा, तब जाके धीरे धीरे वो ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड को ब्रेक करेगा, दिस इज कॉल्ड द रिकवरी ऑफ द मसल, एंड दैट ऑक्सीजन विच यू गेव एक्स्ट्रा ना इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डेथ, दैट्स अ रूल, ठीक है।
तो कब तक हमारे पैर दुखेंगे? जब तक लैक्टिक एसिड जो अंदर बना है वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं हो चुका, फाइन। और लैक्टिक एसिड क्यों बना? बिकॉज आपने मसल को ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड किया जितना काम करा है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ऐसे तो बहुत लोग भागते हैं, तो जो लोग रेगुलर भागते हैं, जो एथलीट होते हैं, जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं, उनकी बॉडी को वो रोज प्रैक्टिस करवाते हैं, तो बॉडी को उस तरह ब्लड ज्यादा क्वांटिटी में भेजने की आदत होती है। इट इज एडाप्टेशन। व्हेन यू डू इट डेली देन योर बॉडी अडैप्ट, बॉडी नोज। जैसे आप भागना शुरू करते हो बॉडी के ब्रेन में एक मैसेज जाता है कि ओके वी आर रनिंग, सो ब्रेन बोलता है ओके वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ा दो, तो ब्लड सप्लाई इंक्रीजेस मोर टुवर्ड्स दैट ऑर्गन बिकॉज यू हैव बीन डूइंग इट रेगुलरली। इसलिए क्लास कभी भी जब आप कोई भी स्पोर्ट्स में होते हो, एक एक वर्ड है वार्म अप। वार्म अप किया जाता है और कूल डाउन किया जाता है बॉडी को। तो वार्म अप से क्या होगा, बॉडी को मैसेज मिलता है कुछ हेक्टिक होने वाला है, तैयारी करो। तैयारी किसकी? ऑक्सीजन की, ठीक है। और कूल डाउन से बॉडी को मैसेज मिलता है कि ओके अभी अपना सर्कुलेशन दूसरे ऑर्गन की तरफ बढ़ा दीजिए, अभी एक्टिविटी बंद हो गई है। मतलब आप दोनों तरफ बॉडी को एक साइलेंट मैसेज भेजते हो। अगर आप बहुत ही प्रोफेशनली स्पोर्ट्स करते हो तो ये वे होता है, इज़न्ट इट? वो पहले आपने स्कूल में भी अगर देखा है तो आपको वार्म अप पीटी में थोड़ा सा जॉगिंग हल्का सा करवाएंगे, इधर उधर थोड़ा सा बेंडिंग पुलिंग करवाएंगे, फिर कोई हेक्टिक एक्टिविटी में जाते, क्योंकि सडन जाएंगे तो दैट विल लीड टू लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। फिर एक ही दिन कुछ करोगे, बाकी चार दिन के लिए आप पेन में रह जाओगे। जब आप न्यू जिमिंग करते हैं तो आपका जिम इंस्ट्रक्टर भी आपको बोलता है ना कि आज इतना ही ये करना और मत करना, इवन इफ यू फील कंफर्टेबल डोंट डू इट, सो यू फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस, इजंट इट? सो व्हाट वी डू, वी टिपिकली फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस, फाइन। सो व्हाट हैपेंस इफ यू डोंट फॉलो, देन यू सफर। देन व्हाट हैव यू डन? You have taken a loan of oxygen, loan, oxygen debt, and that debt you have to pay. That debt how you will pay? By giving more oxygen afterwards. Lekin uske saath aapko free mein kya mila? Pain na, bahut sara pain aur problem. So oxygen debt is one of the favorite question. Okay? To ye bhi muscle ki ek property hai, kyunki hum aerobic organism hai, hum anaerobic organism नहीं, ठीक है। इज इट क्लियर क्लास? यस ऑल ऑफ यू, डिड यू गेट दिस? प्रॉपर्टीज क्लियर है सबको? ओके, नाउ प्रॉपर्टी जैसे मैंने कहा ज्यादातर वन मार्क में ही आती है, व्हाट इज दिस या सच एंड सच कंडीशन इज कॉल्ड दिस, और यू मे गेट ऑक्सीजन डेथ फॉर 2 मार्क, फाइन। सो नाउ वी गो टू एक्चुअल मसल मूवमेंट। ओके, मैंने बीच में से आपको सीधा प्रॉपर्टीज कराई, मैंने आपको मसल एंटागोनिस्टिक मसल सिखाया, आपको उसका बेसिक बता दिया। नाउ टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ मसल वी नीड टू गो इन डिटेल ऑफ द मसल स्ट्रक्चर। तो क्योंकि हमारा चैप्टर इज मोर ऑन लोकोमोशन, हमारा टॉपिक क्या रहेगा? स्केलेटल मसल। इसी का दूसरा नाम क्या है क्लास? दूसरा नाम क्या है? वॉलेंटरी मसल। तीसरा नाम क्या है? स्ट्राइटेड मसल्स। सो वी आर गोइंग इन डिटेल ऑफ विथ स्ट्रक्चर द स्केलेटल मसल, द स्ट्राइटेड मसल्स, द वॉलेंटरी मसल्स, ठीक है। अब हम बाकी के मसल्स को नहीं देखें, ठीक है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, पहले भी ये वर्ड यूज हुआ है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मतलब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है। प्लीज कीप इन माइंड, कभी भी किसी भी चीज का अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक कहा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं हम। अब आप टिपिकल वॉलेंट्री मसल्स को देखिए।
सो दे आर कनेक्टेड टू बोन, इसीलिए हमने एक बोन लेकर आई. ठीक है, नाउ व्हेन यू से दे आर कनेक्टेड टू बोन, लुक वेरी केयरफुल हियर. ये हमारी बोन, ये शुरू हुआ मसल. ये देखिए, कैन यू सी दिस इज अ बंच, दिस इज नॉट वन मसल फाइबर, दिस इज अ होल बंच. ठीक है, बहुत सारे, तो नेचुरली अगर बहुत सारे तो उनके ऊपर एक कवरिंग होनी चाहिए. ठीक है, उस कवरिंग का नाम है एपिमाइजियम. एपिमाइजियम, प्लीज लर्न, द कवरिंग ओवर द होल बंडल ऑफ मसल इज कॉल्ड एपिमाइजियम. ठीक है, लेकिन इफ यू आर लुकिंग वेरी केयरफुल, तो यहाँ पे मसल के बंडल्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, बहुत सारे. आई एम शेडिंग देम. ओके, सच अ सिंगल बंडल इज कॉल्ड मसल फैसिक्यूल और फैसिक्यूलस. हमने एक को बाहर निकाला, हमने एक को बाहर निकाला, ये देखिए. उस एक के ऊपर जो कवरिंग है, उस एक के ऊपर जो कवरिंग है उसका नाम है पेरिमाइजियम. उसका नाम क्या है? पेरिमाइजियम. ठीक है, अब इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे फाइबर्स दिख रहे हैं, तो आप ये एक सिंगल को बाहर निकाला हमने, फाइन. उसके ऊपर की जो कवरिंग है उसका नाम है एंडोमाइसिन. व्हाट इज इट कॉल्ड? एंडोमाइसिन. ठीक है, और जब उसके अंदर देखा हमने तो बहुत सारे क्या हैं? सिंगल सिंगल मसल फाइबर, मायोफाइब्रिल. मायो मतलब मसल, फाइब्रिल मतलब धागे जैसे. अब उल्टा जाए, बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स टुगेदर एक बंडल बना रहे कवर्ड बाय एंडोमाइजियम. मेनी एंडोमाइजियम फॉर्म अ फैसिकुलस कवर्ड बाय पेरिमाइजियम. मेनी पेरिमाइजियम फॉर्म अ मसल बंडल कॉल्ड कवर्ड बाय एपिमाइजियम. तीन कवरिंग्स हमने डिस्कस की. दिस इज टिपिकली द मसल स्ट्रक्चर इन योर बॉडी. ठीक है, अभी बहुत डिटेल में जाना है. वन मिनट. नहीं, यहाँ पर नहीं है. ठीक है, वही देख. वन मिनट. See in detail. I hope you are getting it. Typically हम ये पूरे मसल को नहीं पढ़ने वाले, हम ये मायोफाइब्रिल में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उधर देखने वाले. वन बंडल, उसके अंदर बहुत सारे बंडल्स, करेक्ट. उसके अंदर बहुत सारे मायोफाइब्रिल के बंडल, और आप जब स्ट्रक्चर करोगे, आप स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल. ठीक है, इज इट वेरी क्लियर? यहां तक फाइन. तो नेक्स्ट लेक्चर में वी आर मूविंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल. फाइन क्लास. हेलो, यहां तक आप पढ़ के आएंगे, मैंने आज इजी किया है. नेक्स्ट लेक्चर डिफिकल्ट जाएगा. नेक्स्ट लेक्चर में डिफिकल्ट चीज है, नोबडी विल रिमेन एब्सेंट. टफ पार्ट है, वो समझ में नहीं आता. इज इट फाइन क्लास, ऑल ऑफ यू? ओके, सो आई एम स्टॉपिंग हियर. ओके, सो प्लीज स्टडी अप टू दिस मच. नेक्स्ट लेक्चर कोई भी मिस नहीं करना प्लीज. वो थियरी जरा डिफिकल्ट है, तो आई वुड लाइक टू इलेबोरेट. ओके, बाय क्लास, टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ.